वेलकम टू लर्निंग कैंपस। हेलो एवरीवन, तो ये तीसरा पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीटी 365 का, और इसमें हम आगे के टॉपिक्स देखने वाले हैं। सेकंड वीडियो में हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई करी थी, और इस बार हम इसरो के बारे में, इसरो के मिशंस, नासा, नासा की स्पेस मिशंस, स्पेस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं वो, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है थोड़ी इससे रिलेटेड ही, आईटी एंड कंप्यूटर में 5G नेटवर्क, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ तक हम कवर करने वाले हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है जियो इमेजिंग सेटेलाइट GSAT-1। अब ये फ्यूचर में भेजने के लिए प्लान करी गई है। मेनली ये यूज़ होगी अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए, जिससे कि हम नेचुरल हजार्ड्स या डिज़ास्टर कोई भी आता है तो उसका पहले से पता लगा पाएँ। और इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाएगा, जो कि होता है 36,000 किलोमीटर लगभग। अब ऐसी दो सैटेलाइट्स भेजी जाएंगी जिससे कि अर्थ की ऑब्जर्वेशन हो सकेगी हर टाइम। अब नेक्स्ट है XPUSAT। ये एक एक्सरे पोलैरोमीटर सैटेलाइट है जो कि फ्यूचर में प्लान करी गई है, और इसका मिशन होगा पोलराइजेशन को स्टडी करना। अब पोलराइजेशन हो क्या होता क्या है मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे फिजिक्स की काफ़ी बातें हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है UPSC के लिए। अब कोई लाइट वेव अगर वो सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है तो वो पोलराइज लाइट होती है। अब ऐसी कोई लाइट वेव जो कि एक मीडियम से ज़्यादा प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है वो अनपोलराइज लाइट होती है। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है, जो ये प्रोसेस होता है अनपोलराइज लाइट को पोलराइज में बदलने का यूजिंग अ पोलैरोमीटर, तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, अब इस मिशन की जो लाइफ होगी 5 साल की होगी, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में रखा जाएगा 500 से 700 किलोमीटर के ऑर्बिट में। अब ये काम क्या करेगा, न्यूट्रॉन की स्टार्स को स्टडी करेगा, सुपरनोवा जो स्पेस में होते रहते हैं, ये पल्सर्स होते हैं या फिर ब्लैक होल्स होते हैं, तो उनको स्टडी करेगा। अब कुछ प्लैनेटरी मिशंस प्लान किए गए हैं जो कि फ्यूचर में लॉन्च करे जाएंगे, जिसमें कि पहला है शुक्रयान। शुक्र ग्रह वीनस को कहते हैं, तो एक वीनस के लिए मिशन प्लान किया गया है जो कि वीनस को स्टडी करेगा। और दूसरा है मंगलयान 2 जो कि मार्स के लिए ऑब्वियसली लॉन्च किया जाएगा। अब दूसरा है निसार, ये नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें कि एक रिटायर इमेजिंग सेटेलाइट को भेजेंगे। अब बस इसके फीचर्स याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या काम करने वाला है। तो बेसिकली ये आई शीट कोलैप्स या फिर नेचुरल हजार्ड या फिर अर्थक्वेक, बेसिकली अर्थ को ऑब्जर्व करेगा रेडार को यूज़ करके। नेक्स्ट है यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म है उन्नति। तो इसरो ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कि ये जो 50 साल हो गए यूनाइटेड नेशंस के, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया है। इसमें कि क्या होगा कि जो नैनो सैटेलाइट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वो इसरो भेजेगा स्पेस में, और उसके लिए वो कैपेसिटी बिल्डिंग या फिर उन कंट्रीज़ को सपोर्ट वगैरह सब कुछ देगा। अब अगला है स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स। तो इसरो ने अपने 5 स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स बनाए हैं, जो कि IITs में बनाए हैं, बॉम्बे में, कानपुर में, खड़गपुर में, मद्रास में, और एक दिल्ली में भी बनने वाला है। तो इसमें यहाँ पर बेसिकली क्या होगी कि रिसर्च होगी स्पेस टेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस को लेके, और इसमें जो फंडिंग होगी इसरो प्रोवाइड करेगा। बस इतना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है, काफ़ी है इतना। अब इसके बाद नासा का टॉपिक है। नासा के काफ़ी सारे मिशंस हैं, मतलब इतने मिशंस हैं कि आप याद भी नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस दिए हुए हैं जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहे थे, तो बस उनकी हम इतना देखेंगे कि वो प्रोग्राम किस चीज़ के लिए था और उससे कौन सा प्लैनेट रिलेटेड था। इतना इन डेप्थ में उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है इनसाइट मिशन। तो ये नासा का जो इनसाइट मिशन है, ये डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, और बेसिकली ये रोबोटिक लैंडर है जिसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, जिससे कि ये मार्स के जो सरफेस है उसको मेज़र कर सके कि वहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही। वहाँ पर ये अर्थक्वेक को भी देखता है, और काफ़ी जो उसकी टेम्परेचर क्या है, और वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कि नहीं है। तो बेसिकली इसने अभी फाइंड किया है कि वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, बट वहाँ पे वॉल्केनिक रीजन्स हैं। नेक्स्ट है वोएजर 2। रिसेंटली नासा ने इसके अंदर कोई ख़राबी आ गई थी तो उसको ठीक कर दिया था। अब जैसे कि वोएजर 1 था, वैसे ही वोएजर 2 को भी डिज़ाइन किया था। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी जो एंड है उसको पता करने के लिए वो कहाँ तक है। अब ये इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने कि पास से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून को देखा है, और ये फाइनली
नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया था। अब इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, जो हमारा सन है वो एक स्टार है, तो स्टार से लेके जो लास्ट प्लैनेट होता है उसके स्पेस को छोड़ के उसके बाहर जो हम दो स्टार के बीच की जगह को जाते हैं तो उसको इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। जहाँ पे प्लूटो ख़त्म होता है वहाँ से जो स्पेस है दूसरे स्टार तक की, वहाँ पे एक प्लाज्मा भरा होता है। स्पेस तो होता ही है, उसके अलावा वहाँ पे प्लाज्मा भरा होता है। ये वोयेजर 2 ने पता लगाया ये चीज़। और जो हमारा सन है और उसके चारों तरफ जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो जो ये पूरी एक स्फेयर बन जाता है तो इसको हीलियोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे सब ये स्पेस है। बाकी अगर सन के अलावा कोई दूसरा स्टार है यहाँ पे, जैसे कि इसके अपने कुछ प्लैनेट्स होंगे, तो ये बीच का जो भी एरिया होता है इसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। तो नेक्स्ट है, मार्स की सरफेस पे मीथेन पाई गई है। जो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर है उसने मीथेन के हाई लेवल्स वहाँ पे डिटेक्ट किए हैं और ये पाए गए हैं गेल क्रेटर के पास। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो नासा ने एक मिशन प्लान किया है जो कि वो टाइटन पे भेजेंगे। टाइटन क्या है, जो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है उसका नाम टाइटन है, तो वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई मिशन भेजेंगे। इसमें बस आपको इसका नाम याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा कि टाइटन क्या है। टाइटन लार्जेस्ट मून है किसका, सैटर्न प्लैनेट का। और अगर हम पूरे सोलर सिस्टम की बात करें जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में। और वहाँ पे नासा इसलिए भेज रहा है क्योंकि वहाँ का जो लैंडस्केप है वहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है। वहाँ पे वाटर पाया गया है, रॉक्स भी हैं, मीथेन इथेन काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे जैसे कि अर्थ पे पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग के लिए नासा ये सब भेज रहा है। और ये सब पता लगाया था, एक मिशन गया था कैसिनी मिशन जो कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच का वो था टाइप, तो उसने ये सारी चीज़ें पता लगाई थी। अब नेक्स्ट है आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम। इसमें क्या है कि नासा प्लान कर रहा है कि दोबारा से वो मून पे एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाएगा, तो उसके लिए आर्टेमिस प्रोग्राम है जिसका कि कैलेंडर लॉन्च होने वाला है आर्टेमिस नाम से। नेक्स्ट है पंच मिशन। अब इस मिशन में नासा पोलैरोमीटर भेजने वाला है स्पेस में जो कि स्टडी करेगा कि जो सन से रेस निकलती है, चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, वो किस तरीके से सोलर विंड में तब्दील हो जाते हैं, और वही ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि स्पेस में पूरी तरीके से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्नो एक्स। तो स्नो एक्स एक 5 साल का प्रोग्राम है जो कि नासा ने लॉन्च किया था 2016 और 17 में। तो इसमें वो पता लगाना चाह रहे हैं कि जो विंटर्स में स्नोफॉल होती है उसमें कितना पानी होता है और जब स्प्रिंग में वो स्नो पिघलती है तो कितना पानी बनता है। अब नेक्स्ट है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। तो ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि नासा ने बनाई है और इसमें 3 चीज़ें हैं, स्पेस टेलीस्कोप, हबल वाला, चंद्रा एक्सरे और कॉम्पटन गामा एक्सरे। अब इन सब के नाम इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है जो उनकी नासा के पास है जो कि वो यूज़ करते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए और जो भी और स्टडी करने के लिए स्पेस में जो कि काफ़ी कूलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मली टेलीस्कोप से नहीं दिखते हैं उनको, जैसे कि ब्राउन डॉर्फ्स हो गए, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए। नेक्स्ट है स्टार लाइनर। तो ये एक स्पेस कैप्सूल है जो कि बनाया गया है एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ले जाने और जाने के लिए, और ये बना रहा है बोइंग और इसे लॉन्च करेगा नासा। नेक्स्ट है सोलर ऑर्बिटर मिशन। ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट मिशन है जिसमें कि वो सोलर मतलब कि सन को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और जो लाइफ है वो कैसे इमर्ज हुई है सन की वजह से। अब नेक्स्ट है नासा ने ऐसे 4 मिशंस सेलेक्ट किए हैं जिससे कि पता लग सकेगा कि हम सोलर सोलर सिस्टम का इमर्जेंस कैसे हुआ है। तो उसके लिए एक दाविंसी मिशन है, आईवो है, ट्राइडेंट है, वेराइटाइस है। अब इन सब का याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत फ्यूचर में होने वाले हैं और इनका अभी तक ऑफिशियल मिशंस भी नहीं है, तो ये कोई करने की ज़रूरत नहीं इनको। अभी और मिशंस हैं जो कि और कंट्रीज़ के हैं, जैसे कि रावना है ये श्रीलंका का है, स्पेक्ट्रे है ये रशिया का है। बस इनमें इतना ही याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सा मिशन है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, इतना ही काफ़ी है। अभी एक स्काईबोर्ड F850 है, रशिया का है। इसमें रशिया ने ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा है ISS पे जो कि 10 डेज रहेगा वहाँ पे। फिर तीसरा है चंगीज 4, ये चाइना का लूनर प्रोग्राम है और ये भी ऐसा पहला मिशन है जो कि चाइना का जो कि फार साइड ऑफ द मून पर रहेगा जहाँ पे हमेशा शेडो रहती है, और ये भी साउथ पोल पे उतरेगा। फिर
फिर है होप स्पेस क्राफ्ट, ये कि ये यूनाइटेड अमीरेट्स का मार्स मिशन है, जैसे कि नासा के काफ़ी सारे मिशन जा चुके हैं मार्स पे और इंडिया भी भेज चुका है मंगलयान वन, उसमें ऑर्बिटर था, वैसे ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ऑर्बिटर है जो कि मार्स के चक्कर लगाएगा, उसकी स्टडी करेगा, और ये जुलाई 2020 में भेजने के वो है डेट है। अब है क्लियर स्पेस मिशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात कर रहा है अर्थ के जो चारों तरफ डेब्रिस हो गई, सेटेलाइट्स ही बहुत सारी टूटी टूटी सेटेलाइट्स अर्थ के चारों चक्कर लगा दी हैं, तो उनका इतना डेब्रिस इतना ख़तरनाक है कि उससे जो सेटेलाइट्स है हमारी स्पेस में जो कि नेविगेशन के लिए, वेदरिंग के लिए और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, उन पर असर पड़ सकता है, वो ख़राब हो सकती हैं उससे। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोग्राम है जिसमें कि एक रोबोट बनाया गया है चेजर नाम का, जो कि स्पेस में जाएगा, वो सारे कचड़े को इकट्ठा करेगा और वो इकट्ठा करके कचड़े के साथ अर्थ पे वापस गिर जाएगा आके। इससे होगा क्या, काफ़ी सारी चीज़ें तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन होता है उसी में जल जाएंगी, और थोड़ा बहुत जो डेजिग्नेटेड प्लेस होगी वो वहाँ पे आके गिरेंगी, तो ऐसा कुछ नुकसान भी नहीं होगा, और जो अर्थ के चारों तरफ ये इतना सारा डेब्रिस फैला हुआ है वो सारा क्लीन हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब नेक्स्ट है रिमूव डेब्रिस मिशन, इसमें भी हम सेम चीज़ ही कर रहे हैं, एक जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे है यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का सर्वे किया जा रहा है जो कि यूज़ कर सकते हैं हम स्पेस में से डेब्रिस को हटाने के लिए। अब ये टेक्नोलॉजीज़ कौन सी है उनको जानना इतना ज़रूरी नहीं है, और जापान ने एक इससे पहले कार्गो शिप लॉन्च किया था जो कि थोड़ी बहुत डेब्रिस है जो अर्थ के ऑर्बिट से हटाएगा, और फिर उसके बाद एक हायाबूसा 2 जो कि जापान ने बनाया है, और ये एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो कि एस्ट्रॉयड रियुगु पे लैंड किया था, और इसने वहाँ की स्टडी वगैरह करी है, सैंपल वगैरह लिए हैं, अब ये धरती पे वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे पहला है स्पेस स्पेस इंटरनेट, ये कंपनी है स्पेसएक्स नाम की जो कि अमेरिकन कंपनी है, इसने ऐसी 60 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में भेजी हैं जिससे कि उनका यूज़ क्या होगा, उससे ये एक इंटरनेट का नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं जिसका इन्होंने नाम रखा है स्टारलिंक नेटवर्क, तो ये उन सैटेलाइट का यूज़ करके अर्थ के चारों तरफ ये लो कॉस्ट इंटरनेट सप्लाई करेंगे। इंटरनेट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वैसे सैटेलाइट बेस्ड, बट इसको बनाने के बाद इन्होंने इतनी सारी सैटेलाइट भेजी हैं और ये फ्यूचर में भी भेजना चाहते हैं, जिससे कि एक बहुत ही नॉन स्टॉप और लो कॉस्ट इंटरनेट चारों तरफ मतलब अर्थ की हर जगह पे मिल सके। अभी जो सैटेलाइट्स हैं बीकन्स का यूज़ करती हैं अर्थ से सिग्नल बैक एंड फोर्थ करने के लिए, और जो ये मैसेजेस हैं ये दुगनी तेज़ी से जा सकते हैं किसकी कंपैरिजन में, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं जो कि हम अर्थ में इस समय यूज़ करें इंटरनेट के लिए, उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए। अब स्पेस बेस्ड इंटरनेट के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, एक तो ये लो कॉस्ट हो जाएगा, इसको हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं, इतनी सारी जो केबल्स फैली हुई हैं अर्थ के चारों तरफ इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, ओशन के नीचे हमने बिछा रखी हैं, उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। अब जो अभी सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ होता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू यूज़ होता है जो कि प्लेस होती हैं 35,000 किलोमीटर से ज़्यादा के ऑर्बिट में, तो वहाँ तक उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं आती है। अब जो ये वाली स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ये लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस कर रहा है, और ये हज़ारों की संख्या में होंगी, अभी इन्होंने 60 सैटेलाइट्स भेजी हैं और इनका टारगेट है 42,000 सैटेलाइट्स भेजने का ऐसी, जिससे कि अर्थ पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। उससे क्या हुआ कि हमारे पास 24/7 अवेलेबिलिटी होगी, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स आराम से चला सकते हैं, इंटरनेट बहुत ही सस्ता हो जाएगा और फ्यूचर में काफ़ी काम में आने वाली है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, तो रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया है कि वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का अपने रिसर्च में यूज़ करेगा, ऑल दो काफ़ी फिजिक्स का टॉपिक है तो मुश्किल है यूपीएससी के बारे में पूछे, बट एक बार आइडिया ले लेते हैं क्या होता है। अब जैसे कि ये गैलेक्सी है, वैसे ही गैलेक्सी है उसके आसपास और भी गैलेक्सीज होती हैं, और ये क्लस्टर होता है गैलेक्सी का, तो इनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि क्या होता है जो लाइट होती है चारों तरफ से लाइट आ रही है तो उस लाइट को डिस्टॉर्ट करके और मैग्नीफाई करके उसको बढ़ा के वो अर्थ की तरफ सेंड करते हैं, और जो हमारे अर्थ पे टेलीस्कोप वगैरह होते हैं वो इन लाइट को फिर आराम से देख लेते हैं, अगर ये ना होते तो इतनी दूर की लाइट देखने में मुश्किल होती, बट ये जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं ये उन लाइट को मैग्नीफाई करके जब इस तरफ भेजते हैं अर्थ की तरफ,
हम आराम से जो जीएलआई लाइट जहाँ से भी आ रही है उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनको आराम से हम पढ़ पाते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि बस जो गैलेक्सीज हैं जो कि बहुत दूर दूर हैं उनको हम अच्छे से देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि उन गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है उन लाइट को जो एक क्लस्टर है उसने मैग्नीफाई करके अर्थ की तरफ भेज दिया। इसके अलावा जो और भी काफ़ी सारे इनविजिबल थिंग्स है जो कि हम अर्थ से नहीं देख पाते टेलीस्कोप से, वो हम देख सकते हैं। और जो स्टार फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो भी इसी तरीके से काम करता है, तो इसको भी हम पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है, एक इंस्टीट्यूट है भास्करा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आता था इस गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक ऑटोनॉमस एजेंसी बना के, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में डाल दिया है इंस्टेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले ये गुजरात के अंडर में काम करता था, अब इसे डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में काम करने का मौका मिलेगा। और ये काम क्या करता है, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं एग्रीकल्चर लैंड वगैरह के लिए उनको प्लान करता है और उनको डेवलप करता है। इसके बाद है नासा की एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टीना कोच, तो इन्होंने लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट ली है, तो वुमेन कैटेगरी में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया इस चीज़ का। बस आपको इतना याद रखना है कि इनका नाम क्या है, एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच। फिर नेक्स्ट है 30 मीटर टेलीस्कोप। अब ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा बनने वाला है। इसका 30 मीटर का जो मिरर का डायमीटर होता है वो होगा, और ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट फंड कर रही है, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और यूएसए। और ये बनाया जाएगा माउना क्यू वॉल्केनो के पास जो कि हवाई में है। और ये इंडिया से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि इंडिया से फंड भी कर रहा है, और इंडिया की एक कंपनी है थॉट वर्क्स टेक्नोलॉजीज जो कि पुणे में है, वो इस 30 मीटर टेलीस्कोप के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। नेक्स्ट है ई स्टेशन ऑब्जर्वेशन कंसोर्टियम, तो इसमें 8 कंट्रीज़ हैं, चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया जो कि फुल मेंबर्स हैं, और थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया ऑब्जर्वर्स हैं। तो इसमें इंडिया को शामिल करने की बात की जा रही है। अभी कंसोर्टियम क्या करता है कि कोई भी अगर ज्वाइंट प्रोजेक्ट है स्पेस में रिलेटेड तो उसके ऊपर ये डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है प्लूनेट्स। अभी प्लूनेट्स क्या है, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स की टीम जो कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के थे उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया जो जिनका नाम उन्होंने रखा प्लूनेट। अब प्लूनेट क्या है, जैसे कि हमारा मून है, अर्थ का मून है, अगर वो मून हमारी अर्थ की ग्रेविटेशन को छोड़ के कहीं और चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्लूनेट। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे मून ऐसे देखे गए जो कि वो अपने पेरेंट प्लैनेट से अलग होके स्पेस में ऐसे घूम रहे हैं। अब वो ऑब्वियसली ऐसे नहीं घूम रहे हैं, बट वो इंस्टेड वो अपना जो स्टार प्लैनेट है उसके चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि मून अभी अर्थ के चक्कर लगाता है, तो वो अर्थ के चक्कर ना लगा के वो सन के चक्कर लगाने लगे और प्लैनेट की तरह एक्ट करने लगे तो उसे कहेंगे प्लूनेट। नेक्स्ट है एलोकॉट, तो ये अल्टीमा थूले जो एक एस्ट्रॉयड पाया गया था, नासा ने ढूंढा था उसको, तो उसका नाम बदल के एलोकॉट रख दिया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इसको डिस्कवर किया था वो न्यू होराइजन जो एक स्पेस क्राफ्ट है उसकी टीम ने किया था यूजिंग हबल स्पेस टेलीस्कोप, और जनवरी 2019 में जो न्यू होराइजन मिशन का जो स्पेस क्राफ्ट था वो उसके पास से निकला था। अब नेक्स्ट है एक्रीशन बस्ट इवेंट। अब ये एक्रीशन बस्ट इवेंट क्या होता है, जब कोई स्टार बनता है तो वो आसपास का काफ़ी सारा मैटर एक साथ खा जाता है, तो उस पे जब खा जाने का मतलब है कि वो कोई स्टार बनता है तो ऑब्वियसली उसको मैटर चाहिए होगा बनने के लिए, तो एक साथ जब काफ़ी सारा मैटर एक साथ इकट्ठे होकर कोई स्टार को बनाते हैं तो उस मासिव स्टार में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं एक्रीशन बस्ट इवेंट। अब ये काफ़ी रेयर इवेंट है और ऐसे ऐसे ये 3 ही इवेंट अभी तक ऑब्जर्व किए जा सके हैं। बाकी इसके बारे में काफ़ी कुछ थियोरेटिकल दे रखा है वो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक है गोल्डिलॉक्स जोन, तो नासा का एक सेटेलाइट है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सेटेलाइट। ये बेसिकली सेटेलाइट किस लिए है कि वो ऐसे कोई प्लैनेट ढूंढे जो कि अर्थ की तरह है, जो कि रहने के लिए सही है। तो ऐसे ही उसने एक स्टार ढूंढा है जिसका नाम है TOI 700T।
और जो ये स्टार है जिसके चारों तरफ घूमता है उसका नाम है TOI 700, और ये गोल्डी लॉक्स जोन में है। गोल्डी लॉक जोन कैसा होता है? गोल्डी लॉक जोन ऐसे जोन को कहते हैं जो कि जहाँ पे हम रह सकते हैं। तो जो सन का गोल्डी लॉक जोन है उसमें लाया करता है अर्थ, कि ना तो ये ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, इसलिए हम यहाँ पे रह सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू मून्स ऑफ सैटर्न डिस्कवर्ड। अब सैटर्न के 20 मून और डिस्कवर हुए हैं जिससे कि टोटल नंबर हो गया 82। तो अब टोटल नंबर ऑफ यही पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मून किसके हैं, तो सैटर्न के कह सकते हैं। पहले जुपिटर के थे 79 मून, तो सबसे ज़्यादा जुपिटर के मून कहे जाते थे, बट अब ये सैटर्न के हुए हैं, और इसको फाइंड किया था सुबुरु टेलीस्कोप में जो कि हवाई में है। अब नेक्स्ट है कॉमेट बोरिसो बी। अब ये क्या है? ये एक ऐसा कॉमेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है, ये दूसरे सोलर सिस्टम का है, और वहाँ से ये सन और ये वहाँ से चक्कर लगाता हुआ हमारे सन के पास से गुजरा था। अब ये ऐसा सेकेंड ऑब्जेक्ट है जो कि किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आया था हमारे स्पेस में। तो पहला जो था उसका नाम था ओमुआमु फर्स्ट, अब इसका नाम रखा है बोरिसो सेकंड। अब नेक्स्ट है एस्ट्रॉयड बीनू। तो एक ये एस्ट्रॉयड है जिसका नाम रखा हुआ है बीनू नासा ने। तो नासा की जो रेक्स टीम है उसने एक साइट को कंफर्म किया कि यहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं, बस इसमें इतना ही काफ़ी इनफ है। सेकेंड है हाइजिया। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा सजेस्ट किया जो हाइजिया है उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कह सकते हैं। ऑफिशियली ऐसे 5 ड्वार्फ प्लैनेट है जैसे कि प्लूटो, एरिस, मकेमेक, ह्यूमिया एंड सीरीज। तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया जा सकता है। अब स्पेस में पहली बार हीलियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल को देखा गया है, तो उसके उससे रिलेटेड है न्यूज़ है। फिर नेक्स्ट है टार्डिग्रेड। अब इसराइल का एक स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था बेरीशीट, तो वो मून पे क्रैश लैंड हो गया था। अब उसके अंदर टार्डिग्रेड नाम के वाटर बियर थे। अब और ये क्या होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टाइनी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, और इनको स्पेस एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा था, बट ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश लैंड हो गया। और ये ऐसे ओनली एनिमल हैं जो कि अभी तक 5 एक्सटिंक्शंस हुए हैं जिन्हें हम जानते हैं, उन सब में ये सब सर्वाइव कर गए। नेक्स्ट है नेप्ट्यूनियन डेजर्ट। तो ये एक ऐसे रीजन को कहा जाता है जहाँ पे नेप्ट्यून साइज के प्लैनेट फाउंड नहीं होते हैं, और इस एरिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस आती हैं प्लैनेट से, स्टार से, जिससे कि जो प्लैनेट की गैसेस हैं वो इवापोरेट होके उड़ जाती हैं और खाली वहाँ पे रॉक्स बचे रह जाते हैं। अब नेक्स्ट है प्लैनेट 9। तो ये एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जिसको देखा जा रहा है कि हमारे आउटर रीजन में हो सकता है ये, और ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल है तो उसके बारे में और भी कुछ पढ़ना या याद रखना कोई फ़ायदे की बात है ही नहीं। इसके बाद एक एक्सो प्लैनेट है K2-18b। तो ये अर्थ से काफ़ी सिमिलर है, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा डिस्कवर किया है कि वहाँ पे वाटर हो सकता है और ये लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। इस प्लैनेट को एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपर अर्थ का नाम भी दिया है क्योंकि ये इसका जो मास है वो अर्थ और नेपट्यून के बीच का है, और ये अर्थ से 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब एक एक प्लैनेट पाया गया है जो कि वाइट डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। ये ऐसी ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई स्टार पाया गया है। उसके बाद है 2020 CV3। तो ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ का चक्कर लगा रहा है, इसको मिनी मून का नाम भी दिया गया है। अब जैसे कि हमारा मून है ये परमानेंट है, बट ये जो मिनी मून है टेम्पररी है, इवेंचुअली जो अर्थ की ग्रेविटी है उससे निकल के अपने रास्ते चला जाएगा। नेक्स्ट इज स्टारडस्ट। तो ये अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट सॉलिड मटेरियल है जो कि अर्थ पे पाया गया है। 50 साल पहले एक मीटियोरट गिरा था ऑस्ट्रेलिया में, तो उस मीटियोरट के अंदर से जो मिट्टी निकली, जो कि रेत निकली, उसकी जो रीडिंग ली गई तो 5 से 7 बिलियन ईयर्स की ओल्ड थी वो, जो कि हमारे सन से भी ज़्यादा पुरानी है, तो इसलिए ये ओल्डेस्ट मटेरियल है। अगला है सुपर जाइंट स्टार बीटलगीस। तो ये जो बीटलगीस है ये रेड सुपर जाइंट स्टार है, ये हमारे सन से 20 गुना ज़्यादा बड़ा है, और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने इस स्टार में जो लाइट होती है उसको डिमिंग और उसको चेंज होते हुए नोटिस किया है। नेक्स्ट है आईटी एंड कंप्यूटर।
तो इसमें कि पहला टॉपिक है हमारा 5G नेटवर्क। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से ऐसा डिसाइड किया है कि वो 5G ट्रायल्स जून 2020 से शुरू करवा देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो मोबाइल ऑपरेटर होंगे वो 5G की टेस्टिंग शुरू कर देंगे। तो जून 2020 से स्टार्ट करेंगे, तो होपफुली 2021 से जो 5G नेटवर्क है वो इंडिया में अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। 5G का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 5G वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि रेडियो वेव्स का यूज़ करती है ट्रांसमिट और डेटा को रिसीव करने के लिए। अब ये नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है आफ्टर 4G, मतलब 4G के बाद आई है, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसा इंडिया की प्लानिंग थी कि 2019 में इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, 2024 तक ये पूरी तरीके से हम इंक्लूड कर लेंगे सर्विस में, बट ये तो हो नहीं पाया। बट हम 2020 से इसका स्टार्ट करेंगे, तो 2021 से आई जाएगी। अब जो 5G है, इसकी जो कैपेसिटी है और जो इसकी बैंडविड्थ है, मतलब इसकी ले जाने, डेटा को ले जाने और लाने की क्षमता, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपनी लाइफ में या फिर उसका यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। और ये जो 5G है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड 4G से ज़्यादा है, और इसकी जो लेटेंसी होती है, लेटेंसी का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा ले जाने में कितना टाइम लगता है, उसे लेटेंसी कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा कम लेटेंसी होती है, उतना ज़्यादा अच्छी स्पीड होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि 2G और 3G नेटवर्क माइक्रोवेव पे चलते थे। माइक्रोवेव एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिससे कि सेल साइट्स कनेक्ट होती थी, टावर्स कनेक्ट होते थे और उससे चलते थे। जो 4G है, उसमें माइक्रोवेव को कन्वर्ट करके ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए पूरे हर जगह। फिर जो 5G है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर की नेटवर्क भी चलेगी। अब इससे रिलेटेड इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे, जैसे कि भारत नेट प्रोग्राम। तो इसमें क्या किया था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, उन्हें ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने का काम चालू है, जो कि जल्दी ही पूरा हो जाएगा। जिससे क्या हुआ कि जो भी जो ग्रामीण लोग हैं, वो आराम से इंटरनेट, अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, तो वहाँ वो भी टेक्नोलॉजी सेवी हो सकेंगे। फिर एक नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में लाई गई थी। तो इसमें ये बात की गई थी कि जो इंफॉर्मेशन जो नीड्स हैं हमारी, उसको एक अच्छे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरा किया जाएगा। मतलब हमें इतनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी कि जो हम अपने जो हमें कम्युनिकेशन की नीड्स होती हैं, वो आराम से पूरी हो सकें। फिर गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था बिल्डिंग एन एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड। तो इसमें एक ये रिसर्च कोलैबोरेशन था, जो कि कंपनीज के बीच में और यूनिवर्सिटी के बीच में था, जो कि 3GPP जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करेगा, जिससे ही क्या होगा, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के काम यहाँ पे आके कर सकते हैं। और जो इनकी फंडिंग है, वो DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी करेंगे। अब इसके तहत जो एरिक्सन कंपनी है, उसने ऐसा पहला पब्लिक एक्सेस 5G टेस्ट बेड IIT दिल्ली में लगाया है। अब 5G से रिलेटेड एक कमेटी आई थी, जिसने रिपोर्ट दी थी अपनी, कि हमें ऐसे तीन प्रायोरिटी एरियाज में काम करना पड़ेगा 5G के लिए, जिसमें कि था पहले डिप्लॉयमेंट, जिससे हम जल्दी से जल्दी हमें 5G सर्विस को डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिससे हम मैक्सिमम उसका फ़ायदा उठा सके। दूसरा था टेक्नोलॉजी, हमें ऐसे इंडस्ट्रियल इंडिया में ऐसे इंडिजीनियस रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी, जिससे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तीसरा था मैन्युफैक्चरिंग, हमें इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है 5G टेक्नोलॉजी की, बहुत हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर लेवल पे है, वो इंडिया में होनी चाहिए, उसके लिए टेस्टिंग वगैरह होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक 5G हैकाथॉन हुआ था, जिसमें कि एम था उसका कि हम ऐसे आइडियाज़ को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिनको 5G प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस पे कन्वर्ट करा जा सके। अब ये करवाई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने, और ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस थी, हुई थी 2020 में, उसके साथ साथ करवाया गया था इसे। अब जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, ये लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है साउथ एशिया की, जो कि ऑर्गेनाइज करवाता है DOT और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए बेंगलुरु कर्नाटका में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एज अ सर्विस यूज़ कर पाएंगे, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हो गए, अकेडमिक्स हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए,
तो वो सब इससे लर्निंग ले पाएंगे, एक्सपीरियंसेस ले पाएंगे और इस एज अ रिसोर्स इसे यूज़ कर पाएंगे ब्लॉकचेन को अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। और जो इसके जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ई गवर्नेंस काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे जो रिसोर्सेस हैं ई गवर्नेंस के बना सकते हैं और उन चीज़ों का, उन एप्लीकेशंस का लार्ज स्केल पर डिप्लॉयमेंट हो सकता है। अब इससे जो ई गवर्नेंस के सिस्टम्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, उन्हें ट्रेस करा जा सकता है और जो लोगों का ट्रस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है एक बार उसे देख लेते हैं। नॉर्मली कोई भी जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, वो एक सर्वर पर रहती है, एक सिंगल कंप्यूटर की स्टोरेज एरिया में। मगर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये सिंगल सर्वर पर नहीं रहती, ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स पर रहती है जिसे हम कहते हैं नोड्स। अब इसमें कोई भी अगर जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है वो उसमें कोई ट्रांजेक्शन को रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि कोई अगर मनी ट्रांजेक्शन है तो जो मनी ट्रांजेक्शन है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो उन सिस्टम पे उन नोड्स पे जाता है, फिर जो वो नोड्स हैं वो उसको वेरीफाई करती हैं कि वो ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं है, और इसके लिए वो जो एल्गोरिथम हमने ऑलरेडी उसमें इनपुट कर रखी है उसका यूज़ करती है। फिर अगर वो ट्रांजेक्शन सही होता है, वो वेरीफाई हो जाता है, तो उस नोड्स में जो ऑलरेडी डेटा स्टोर हो रखा है उसी में एक और ब्लॉक बन जाता है। उसमें ऑलरेडी उसमें और ब्लॉक स्टोर हो रखे होंगे, फिर जब अगर वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाएगा तो एक और ब्लॉक बन जाएगा। अब जो ब्लॉक होता है वो परमानेंट होता है और उसको एल्टर नहीं किया जा सकता, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी रोबस्ट क्यों है, इतनी स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि जो इसका डेटा होता है वो किसी सिंगल कंप्यूटर पे नहीं रहता। अगर बाई चांस एक नोड जो एक कंप्यूटर है वो ख़राब भी हो जाता है, वो निकल जाता है, फिर भी वो डेटा और कंप्यूटर्स पे अवेलेबल रहेगा। और जितनी भी ये ब्लॉक्स होते हैं ये सारे एनक्रिप्टेड होते हैं, तो ये कोई भी इनमें छेड़खानी नहीं कर सकता। अब इसके बाद है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसको कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।